हम यहाँ डालेंगे 2 चम्मच तेल और फिर डालेंगे अपने कटे हुए आलू, बड़ा स्टाइल में अपने तरीके से इसको घुमाएंगे चलाएंगे। और फिर डालेंगे चॉप्ड अनियन, अनियन मन्ने भैया प्याज प्याज, और फिर अपनी हरी मिर्च और टमाटर, कैसे भूलेंगे टमाटर डालेंगे, तभी तो रसीला बनेगा, टमाटर ही तो जान है यहाँ पर, टमाटर नहीं छोड़ने का। फिर आसानी से इसको घुमाएंगे और अपने स्टाइल में आ जाएंगे, घुमाते 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 पानी डाल करके इसको और रसीला बनाएंगे, और हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक सोते ना हो जाए। फिर डालेंगे नमक, और नमक डालने के बाद डालेंगे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च डल जाए सोते हो जाए, पूरी नहीं पकाना है सब्जी, और ये अपने स्टाइल में भैया अंडे को डाल देंगे। अंडे को डालने के बाद फिर ऊपर से काला नमक और ब्लैक पेपर डाल करके और लाल मिर्च डाल करके, और फिर इसके ऊपर अपनी प्यारी और फ्रेंड वाली सब सब्जी की फ्रेंड धनिया पत्ता डाल देंगे, और धनिया पत्ता डालने के बाद प्यार से इसको पकाएंगे, और ये देख रहे हो कितना लजीज लग रहा है। चलो इसको कर ढक देते हैं। अब जैसे हमने इसको ढक दिया, फिर निकालेंगे 5 मिनट के बाद, और ये हमारा जो है ना रेसिपी तैयार है। अब हमको इसको खाना है, तो मैं पकाऊंगा इसके ऊपर ब्रेड, लिया घी, घी के ऊपर पकाऊंगा मैं अपना ब्रेड। ओ भैया हमारा ब्रेड बस तैयार ही होने वाला है, क्योंकि मैं तो खाऊंगा, आप तो खाओगे नहीं, तो मैं ही अपने हाथ से बना हुआ चीज़ तो खुद ही खाता हूँ, आप लोगों को ललचाता हूँ। ये लो मैंने सर्विंग प्लेट में मैंने कर लिया सर्व, ये देखो है ना लजीज, मुंह में पानी आ जाता है यार, मजाक नहीं सीरियसली, आपके मुंह में मैं तो खाने वाला हूँ, आपके मुंह में तो पानी आ ही गया होगा। चलो मैं खाता हूँ इसको, करता हूँ फिनिश, और आपके मुंह में आएगा पानी, ये देखो आया ना, अब मैं खाया मज़ा आया। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो।